हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा एक अधिकारी शब्द है। संज्ञा के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले संज्ञा के परिभाषा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या अवस्था के नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में संज्ञा का अर्थ नाम होता है, तो नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल है, देखिए। व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सौम्या। प्राणियों के नाम गाय, शेर, तितली। वस्तुओं के नाम किताब, चीनी, पंखा। स्थानों का नाम मनेर, पटना। अवस्था बुढ़ापा, मानवता, सुंदरता। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। गंगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। सुभाष चंद्र बोस, ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये जितने भी शब्द दिया गया है विशेष है। सेकेंड में है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध करा उसे जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे लड़का, ये पूरा लड़का का बोध कराएगा। लड़की, फल, फूल, जानवर, अनाज इत्यादि। थर्ड में है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष या अवस्था के बोध कराए। जैसे चुनाव, खुशी, सुंदरता, सामाजिक, हंसी। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भावों के भी नाम होते हैं। जैसे हम खुश होते हैं तो खुशी के भाव होता है, दुख होता है तो हम दुखित होते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा, जैसे नीति, नीति से बनेगा नैतिकता। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीति से नैतिकता, भारत से भारतीयता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। ये संज्ञा शब्द से बना है। सर्वनाम शब्द से अहम, अहंकार, मम, मातृत्व, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से सुंदर, सुंदरता, एक, एकता, मधुर, मधुरता। क्रिया से चुनना, चुनाव, लिखना, लिखावट, सजाना, सजावट। तो इस तरह से हमने प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई। संज्ञा के अधिकारी रूप वचन पढ़ते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का से लड़को। तो वचन संबंधी कुछ नियम है। सबसे पहले बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आए। कुछ लोग अपना अधिकार या बड़प्पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आज ही लखनऊ से आए हैं।
दर्शन प्राण बाल आंसु हस्ताक्षर होश आदि संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती है। कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन का बोध करवाता है। जैसे सेठ से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नारी का सम्मान करना परमात्मा का मान करना है, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। आग दूध पानी वर्षा जनता आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब वचन कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वचन बदलने के लिए, जैसे आग से आंखें, रात रातें, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, पंक्ति पंक्तियां, नदी नदियां, कुटिया कुटिया, चिड़िया चिड़िया, बंदर बंदरों, माता मताओं, मुनि मुनियों, सैनिक सैनिकों, मूर्ख मूर्खों। बहुवचन बनाते समय बड़ी ई जो है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। संज्ञा के विकारी शब्द लिंग लिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, लिंग के दो भेद होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे शेर देव बेटा घोड़ा स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की बेटी सूता माता बकरी इत्यादि। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, इंद्र इंद्राणी, देव देवी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, गुणवान गुणवती, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, कवि कवित्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान प्रयोग होता है और इसे बदलने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयल मच्छर खरगोश तोता भेड़िया इत्यादि। अब संज्ञा के विकारी शब्द कारक बनेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के शीर्ष रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए या बोध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। कारक के मुख्यतः आठ भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्म को कर्ता जिस कर्ता द्वारा किए गए काम का फल जिस सब पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण यहाँ पर कर्म होगा। कर्म से कर्ता जिस साधन के माध्यम से कर्म करता है उसे करण कारक कहते हैं। हो संप्रदान के लिए कर्ता जिसके लिए कर्म क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए पिताजी ने मेरे लिए दवाई ले, या भिखारियों के लिए कंबल दो। अपदान ये अलगाव का बोध कराता है। तो वैसे कारक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया से अलगाव का बोध करा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से पानी गिरता है। संबंध जो शब्द
वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करा है, जैसे राम की पत्नी सीता या राम का भाई लक्ष्मण। अधिकरण, कर्ता जिस स्थान पर मतलब आधार पर क्रिया करता है उसे अधिकरण कार्य कहते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, मैं अभी बोर्ड पर ये लिखी हूँ संबोधन। बुलाने या पुकारने के लिए जिस कारक का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे, अरे, ओए। हम लोग लेखन कौशल में औपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आरंभ बाई ओर से किया जाता है, उसके बाद जो भी संबंध हो उसके संबंध के अनुसार, फिर विभाग मतलब जिस भी व्यक्ति को हम लिख रहे हैं, जैसे अधिकारी हो गया प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद शहर का नाम मतलब जहाँ से उनका संबंध हो। सेकेंड में पत्र के मुख्य विषय वस्तु जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। थर्ड में पत्र का अंत धन्यवाद देकर और संबंध के अनुसार नीचे भवतीय या प्रार्थी लिखेंगे, भवतीय प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी छात्र। सोशल समस्याओं के लिए या सोशल काम के लिए भवतीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नाम का नहीं लिखते हैं, नीचे में नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे क, ख, अ, व, स, द। और निजी काम के लिए प्रार्थी लिखा जाता है, वहाँ पर नीचे नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे, नीचे डेट भी लिखेंगे। और स्कूल के ऑफिशियल काम के लिए प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो आपका अधिकारी छात्र या छात्रा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है, जैसे जिलाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखेंगे, जिलाधिकारी के पास सोशल यानी कि सामाजिक समस्या को लेकर पत्र लिखते हैं। तो सेवा में जिलाधिकारी महोदय, स्थान हो गया पटना, पिन कोड हो गया, विषय जो भी मतलब विषय दिया जाएगा, उसके बाद महोदय की विषय वस्तु जो मतलब टॉपिक रहेगा उसके बारे में लिखना है, और अंत में धन्यवाद और नीचे में भवदीय, उसके बाद नाम के जगह का लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखते हैं, लास्ट में दिनांक और उसके बाद लेटर का समापन हो जाता है।